आज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पेशल। और सबसे पहले बात करेंगे रायगढ़ की, जहाँ पर स्टेडियम प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का एक बार फिर से शिकार है। शहर के एकमात्र स्टेडियम में अव्यवस्थाओं का अंबार है। बाउंड्री वॉल नहीं होने से खिलाड़ियों को परेशानी होती है, मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शाम होते ही स्टेडियम अंधेरे में डूब जाता है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां पर लग जाता है, जिन्हें रोकने के लिए स्टेडियम में चौकीदार की व्यवस्था भी नहीं। लोग स्टेडियम के अंदर ही अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक स्टेडियम में खेल अधिकारियों के न होने और प्रशिक्षण यहाँ पर नहीं मिलने से कहीं न कहीं वो भी परेशान है। इस मामले में रायगढ़ SDM ने अव्यवस्थाओं को दूर करने की बात कही है। अंधेरा जैसे होता है उसे डर लगता है। लाइट की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं। चौकीदार कभी रोकता है जिस प्रकार गाड़ी घोड़ा अंदर सब घुस? नहीं चौकीदार कभी देखे? हाँ देखते हैं, लेकिन उतना इधर नहीं है। जो वयोवृद्ध हैं, उसके बाद नौजवान, जो लोग खाली भी समय में आते हैं, स्टेडियम ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर हम अपना स्वास्थ्य लाभ इत्मीनान से कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए वो पुख्ता इंतजाम यहाँ नहीं दिखता है। आ रहे कभी चौकीदार दिखा आपको? नहीं, कहने पहले पहले कभी कभार एक रहता था, लेकिन अभी एक साल से बिल्कुल नदारद है। और ये व्यवस्था बहुत जरूरी है, होना चाहिए। स्थिति एकदम खराब है स्टेडियम का, कोई सुविधा नहीं है। और जो क्रिकेट के लिए जो कोच भी बनाए गए थे स्टेडियम से, वो भी बहुत कम आते हैं। यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, कोई भी गाड़ी ले आता है, साइकिल ले आता है स्टेडियम के अंदर। कभी कोई पार्किंग के लिए रोकता नहीं है कि अंदर नहीं लाना है गाड़ी वाड़ी। कभी देखे हो यहाँ पर? कोई अधिकारी नहीं देखे आप? मेल है फीमेल? निशा मछली संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। निशा, जो एकमात्र स्टेडियम है वो भी अव्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। लाइट है नहीं और बाउंड्री वॉल की हालत जो है खस्ता हाल है। और ऐसे में जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, वहां पर खेलने के लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनाया तो गया, लेकिन रखरखाव कौन करेगा इसका? कि सही में स्टेडियम की बहुत ही बुरी और खस्ता हालत है। आप अगर स्टेडियम में जाकर के देखेंगे तो स्टेडियम का जो मेन ग्राउंड होता है उसमें घास उगी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है और असामाजिक तत्व। शाम के समय में कोई भी इंसान वहाँ चला जाता है, गाड़ी लेके अंदर चला जाता है। इवन जो बाउंड्री वॉल है वहां से भी जो पेड़ से लोग चढ़ के अंदर आ जाते हैं। और जो खिलाड़ी होते हैं उनको किसी भी तरीके का सुविधा अभी नहीं है। करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं इसका कोई हिसाब किताब किसी के पास भी नहीं है। अगर हम अधिकारियों से बात करते वो भी जवाब देते हुए कतराते हैं। सुनील निशा, मेंटेनेंस के नाम पर तो हर वर्ष पैसा आता है शासन के द्वारा, लेकिन वो पैसा यहाँ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। लाइटें बुझी हुई हैं, बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और जो कागजों में जो फाइलें हैं उनमें लगातार मेंटेनेंस दिखाया जा रहा है। जी सुनील जी, बताना चाहूंगी कि मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए हर साल दिए तो जाते हैं, पर इस पैसे कहाँ जाते हैं ये पैसे इसका कोई पता नहीं है। अगर हम यहाँ पे देख रहे की बात करते तो आप खुद तस्वीरों में या विजुअल में आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्टेडियम खराब है। पानी पीने के ढंग से व्यवस्था नहीं है। खिलाड़ियों को अगर कोई बात करनी हो तो कार्यालय में जाते तो अधिकारी नाराज रहते हैं। और इतना पैसा आता है उसके बावजूद भी यहाँ पर उसका रख रखाव में कोई भी ध्यान नहीं है। आप लैंप पोस्ट की बात करेंगे अगर हम, तो शाम के समय में स्टेडियम के एक साइड में लाइट जलती है, वहाँ दूसरे साइड में अंधेरा रहता है। इवन 7 बजे के बाद पूरी लाइटें ऑफ कर दी जाती है, जबकि बच्चे अभी गर्मियों के दिन में काफी टाइम तक स्टेडियम में रहते हैं। कुछ बच्चे दौड़ लगाते हैं वहाँ पे, बच्चे की तैयारी करते हैं, खेल की तैयारी करते हैं बाहर जाने के लिए, उनको काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और महिलाएं वहाँ पे शाम को वॉक पे जाती हैं, उनको भी जो असामाजिक तत्व होते हैं, लड़कियां होते हैं, आदमी होते हैं, अगर वॉक पे अगर राउंड अगर स्टेडियम की मारी जाती है तो उधर भी लाइट नहीं होती है। लाइटिंग के कारण काफी अव्यवस्था है वहाँ पर। और दूसरी बार वहाँ चौकीदार नहीं, वहाँ पे बहुत बार बच्चों के गाड़ियों की लाइटें तोड़ी जाती हैं, पाइप भी चोरी हो जा चुकी है। तो एक चौकीदार कभी कभी वहाँ पे दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। तो इसमें रख रखाव की बात करें तो स्टेडियम में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। निशा बनी रहिएगा, रामचंद्र शर्मा इस वक्त एक खिलाड़ी जो है हमारे साथ हैं। रामचंद्र जी, स्टेडियम तो है लेकिन रखरखाव ठीक नहीं, करोड़ों रुपए की लागत से बनवाया गया, उम्मीदें बहुत सारी थी इस स्टेडियम से, लेकिन रखरखाव कौन करेगा और किस तरह की खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी आपने बहुत सही कहा कि इतना बड़ा स्टेडियम है जी, तो छत्तीसगढ़ के 2nd और 3rd नंबर में स्टेडियम आता है जी, लेकिन किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। स्टेडियम कमेटी की बैठक नहीं बुलाई जाती है जी, जो प्रशासनिक अधिकारी उसमें पदाधिकारी बन के बैठे हैं वे कभी झांकने तक नहीं जाते हैं जी। और बहुत दुख की बात है कि यहाँ से जो भी खिलाड़ी निकलता है वो अपने दम पर निकल रहा है, उसमें सहयोग नाम की कोई चीज नहीं है जी। प्रशासन चाहे तो उसको बहुत अच्छे से तरीके से अपनी कार्यशैली से उसमें काफी कुछ बदलाव ला सकता है जी,
और हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर मैडम इस ओर ध्यान देंगी और स्टेडियम कमेटी की बैठक बुला करके खिलाड़ियों को जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सके वो देने का प्रयास करेंगे। जी, किस तरह की समस्याएं बच्चों के खिलाड़ियों के सामने आ रही हैं, चूंकि आप खुद वहां देख रहे हैं और व्यवस्थाएं चूंकि है नहीं कहीं ना कहीं। जैसे जी जी सर, जैसे ग्राउंड पे घास की डिमांड बहुत समय से की जा रही है क्रिकेट खिलाड़ियों की तरफ से, फुटबॉल खिलाड़ियों की तरफ से। जी, क्योंकि घास नहीं है, टर्फ यदि सही ढंग से मेंटेन नहीं है तो खिलाड़ी आगे जाकर के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। जी,